वेलकम टू द कांदिवली एजुकेशन सोसाइटीज श्री टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस कांदिवली वेस्ट मुंबई. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर पासिंग द स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशंस. टुडे वी प्रेजेंट यू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द and don't repent later on. So wish you all the best and may God bless you. Okay, visible हो रहा है क्या स्क्रीन मेरा? Okay, perfect. ठीक है, अभी आप मुझे बताइए बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया ना स्टूडेंट का? Okay, perfect. हाँ बताइए MU. ठीक है, पासवर्ड अब आपके यहां से लॉग आउट हो जाएगा वो. ठीक है, हाँ इसीलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना ताकि आप देख सको पूरा प्रोग्रेस. ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी डिटेल्स है ना हमें एक एक करके डिटेल्स ओपन करनी है और फिल करते जाना. ठीक है, तो पहले हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाते हैं. यहाँ पर ये डिफॉल्ट आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था वही है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलहाल कुछ चेंजेस करना है आपको? विद इन MMR है, प्रेशर है, उसमें कुछ नहीं ना? ठीक है, चलो सेव एंड नेक्स्ट. ओके, अब यहाँ पर नाम बराबर है, प्रियल, परमार, अशोक, अंजना, मदर नेम फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 25/6/2004, ये आपका आधार कार्ड नंबर है, ये मेरी इबुलेकेट गर्ल्स स्कूल, ये इंडेक्स नंबर है स्कूल का और ये यूडाइस नंबर है.
अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इनहाउस कोटा देन प्लीज एंटर 10 स्टैंडर्ड स्कूल इंडेक्स नंबर। अच्छा, ये तो इनहाउस कोटा में अपने यहाँ पर नहीं आ पाएंगे ना, बराबर। चलो सेवन नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालने का है, बताइए आपका एड्रेस। तो इधर हमारा पूरा डिटेल्स हो गया, इधर एड्रेस ही था खाली। सेवन नेक्स्ट। हाँ परफेक्ट, अभी हम लोग आ गए हैं कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स में। अब यहाँ पर आपका ये एससी एनटी कुछ है इसमें से, एससी है, ठीक है परफेक्ट। फिर डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यस ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यूइंग स्टेट महाराष्ट्र, ओके। डिस्ट्रिक्ट मुंबई सबर, परफेक्ट। मेरे ख्याल से इसमें टाइम लिमिट है कि आप जितनी फास्ट भरेंगे ना उतनी जल्दी वो होगा, ऐसा कुछ है। डस एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप, नो ठीक है। अर्थक्वेक की, मेरे ख्याल से सारे आंसर आपके नो ही रहेंगे आई गेस, है ना। स्पोर्ट्स कोटा भी नो है, आर यू ये भी 1% वाला ये भी नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एडमिशन टेकन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन 25% बाइफोकल, ये भी नहीं होगा ना। हैव यू अडॉप्टेड फॉर, ओके। माइनॉरिटी कोटा से एडमिशन, यस नो, यस परफेक्ट। कौन सी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक गुजराती, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमने गुजराती सेलेक्ट कर लिया। और रिलीजन माइनॉरिटी में नहीं ना, इसमें तो ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, ठीक ओके। डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन हाउस कोटा, नो। तो ये डिटेल्स हमारा पूरा फिल हो गया। चलो नेक्स्ट। परफेक्ट। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है यू कैन कम्युनिकेट विद अबाव सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर फॉर एनी हेल्प इन फ्यूचर, ठीक है। तो इनको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होगी फॉर्म में तो इनको अपने स्कूल में कम्युनिकेट करना है, सिंपल ठीक है। तो यही मैं रखता हूँ, चेंज नहीं करता, ठीक है। नहीं, अपनी चॉइस है, अगर आप चाहो तो गाइडेंस सेंटर भी शायद सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनकी स्कूल एफिलिएटेड है ना महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है कि आपको कुछ भी चेंजेस होगा, मतलब कुछ भी आपको फॉर्म में चेंजेस करवाना है, कम्युनिकेशन करना है, एडिट करना है, तो आप स्कूल से ही कम्युनिकेट करेंगे, सिंपल ठीक है। तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, स्कूल से बात करनी है। हाँ, आपको बात करनी होगी स्कूल से इनकेस अगर आपको कुछ करवाना है तो चेंजेस ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया या बच्चे के नाम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, तो सबके केस में आपको उनसे कम्युनिकेट करना रहेगा चेंजेस के लिए, ऐसा। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट अपलोड पे। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और ये सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा। अब ये सेल्फ, हाँ इधर देखिए ना, ये ऑप्शन है यहाँ पर अंडरटेकिंग, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट स्टार आर कंपल्सरी, क्लिक हियर टू डाउनलोड अ फॉर्मेट। एक फॉर्मेट उन्होंने दिया है, ये फॉर्मेट के अंदर अभी दो ऑप्शन है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसके ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसको टिक कर सकते हैं, और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको लिख सकते हैं हैंड रिटन और उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास प्रिंटर फैसिलिटी है तो मैं आपको ये भेज सकता हूँ, नहीं तो रहने दीजिए ना, सबसे बेस्ट आप क्या कीजिए, मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है। आप यही फॉर्मेट में जैसा लिखा हुआ ना, एक एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे जैसा, और जहां जहां पर डैश है वहां वहां पर आप डिटेल्स फिल कर दीजिए, सिंपल। और वो डिटेल्स फिल करके फिर आप भेज दीजिए फोटो, तो उसको अपलोड कर देते हैं, सिंपल बस। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर एक पेज है जो इंग्लिश में है पूरा अंडरटेकिंग, और नीचे आपका सेम अंडरटेकिंग मराठी में दिया हुआ है। हाँ, हमें हमें एक ही लिखना है। आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना, स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 11, ये ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, और नेम ऑफ द स्टूडेंट जैसे यहाँ पर ब्लैंक है तो ब्लैंक को छोड़ के आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, ये एप्लीकेशन, हाँ जा जा खाली और वहाँ पे भरते जाना है, ठीक है। और ये जो MU वाला था ना वही था आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, हाँ MU जो जो स्टार्ट हुआ था ना वही, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी जो है वो, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो फ्रॉम रीजन आपका मुंबई आएगा यहाँ पे, ठीक है।
फिर ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर जो तीन ऑप्शन पूछा है, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर और स्टैंडर्ड 10th स्कूल एलसी। ठीक है, अभी इनका स्कूल एलसी अपलोड करने के लिए नहीं बोला है क्योंकि इनका पहले से वेरीफाइड है कि ठीक है स्कूल मुंबई से अटैच है, तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं दोनों। खाली बस कास्ट सर्टिफिकेट में, और ये जो सेकंड कॉलम है ना उसमें लिखा हुआ है कि प्लीज मेक टिक एट अ डॉक्यूमेंट विच इज टू बी सबमिटेड लेटर। तो आप तो कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत ही सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, लेटर, तो हम तो लेटर सबमिट नहीं कर रहे, आप तो तुरंत ही सबमिट कर रहे हैं, तो ये वाला जो कॉलम है वो आप स्किप करेंगे। ये आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जब आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे तब ये आप ये कॉलम, ठीक है, हाँ, तो आप रिमार्क वाले कॉलम में लिखेंगे अपलोडेड। हाँ ठीक है, ऐसी, और सेकेंड और थर्ड आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको स्किप करेंगे और फिर बाकी का नीचे का पार्ट हैज इट इज लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर डेट आएगा आज का, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, हाँ, फिर यहाँ पर आज का डेट डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट का सिग्नेचर और नेम आएगा और यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर और नेम आएगा, सिंपल भेजिए, ठीक है, तो फिर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, फिलहाल के लिए इतना हमारा पार्ट हो चुका है, ठीक है, आप खाली ये अपलोड करना है, सेवन नेक्स्ट पे जाना है, फिर हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पेमेंट का ऑप्शन है, तो इतना मैं सेवन नेक्स्ट कर दूंगा। ये जो फॉर्म है उसका पेमेंट करना है, पहले आपको फिजिकल मिलता था ना यूजर नेम पासवर्ड, अभी तो फिजिकल ना हो करके ऑनलाइन है, तो ये वही यूजर नेम पासवर्ड का पेमेंट है। हाँ, ये जो प्रोसेसिंग का जो पूरा फॉर्म भर रहे हो उसका पेमेंट है। हाँ, तो बस ये दो स्टेप बाकी है, हो चुका है खत्म अपना पूरा फॉर्म, अभी नहीं करना है इनका। देखिए इनका सुनिए, इनका है ना महाराष्ट्र स्टेट का ही स्कूल है ना, एसएससी बोर्ड ही है ना, इसीलिए इनको मार्कशीट वगैरह नहीं पूछ रहा है। जो आईसीएसई बोर्ड से होते हैं, आईजी बोर्ड से होते हैं, सीबीएसई से बोर्ड से होते हैं, उनके लिए पूछता है क्योंकि वो वेरिफिकेशन उनको करना रहता है आपके, आप, हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए मार्कशीट तब अपलोड करना रहता है जब उसका वेरिफिकेशन करना हो, ठीक है, ये तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, ये तो इनका वेरिफिकेशन क्यों करना है, इनका जो डिटेल्स पहले से ही है ना वेरीफाइड। हाँ, सही है, क्योंकि ऑनलाइन जो वीडियो है ना, आप अगर इनके वेबसाइट पे देखेंगे जो इनिशियली वीडियो आता है ऑनलाइन, उसमें भी उन्होंने अपलोड करने के लिए बताया है कि आपको अपलोड करना है, मगर उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले हैं ना उनको अपलोड नहीं करना है क्योंकि उनका पहले से डिटेल्स है। हाँ, जो नॉन महाराष्ट्र, हाँ, जो नॉन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए अपलोड करना है, क्योंकि फिर जो गाइडेंस सेंटर है उनका अप्रूव करेगा, चेक करेगा कि उनका मार्क्स बराबर उन्होंने डाला है या नहीं, ऐसा इसीलिए अपलोड करने के लिए बोलते हैं उनको, बस और कुछ नहीं। एक मिनट मैम, इसको मैं क्रॉप कर लेता ताकि परफेक्ट ये वर्ड फाइल रेडी हो जाए हमारा।
ओके okay, शायद इसमें पीडीएफ फाइल अलाउड है, मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है आपका डॉक्यूमेंट। हाँ आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा उसका, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो। फिलहाल हम अपलोड कर देते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन। अब हम जाते हैं अपलोडिंग पे। कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया अपलोड। अभी सेल्फ डिक्लेरेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं मांगा। फिर भी आपके पास उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आप ठीक है अपलोड कर सकते हैं। उसका फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन अपलोड द रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स लेटर, और इन्होंने टाइम भी दिया है कि 3 महीने में अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो आप 3 मंथ्स के अंदर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपना इतना पार्ट हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं 7 नेक्स्ट। ओके तो अभी आपका पेमेंट है 2225 का, बस बाकी ये सारी चीजें हो गई है, जो जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो। फिर एंड में जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपका एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, तो ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर है, यही एप्लीकेशन नंबर आपका पूरे एडमिशन प्रोसेस में यूज होगा। ठीक है, तो फिर जो फॉर्म मिलेगा आप फिर एंड में जाके लॉक कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है तो। जब आप लॉक कर देंगे, नहीं नहीं पहले आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही लॉक होगा, उसके पहले लॉक होगा भी नहीं। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो आगे जो एडमिशन प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट वगैरह है, वो सब में अप्लीकेबल नहीं रहेगा ऐसा है। ठीक है, तो आपको लॉक तो करना पड़ेगा ही, फाइन, मगर आप देख लेना एक बार लॉक करने से पहले, पेमेंट करने के बाद एक बार देख लेना कि सब कुछ बराबर है या नहीं, स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसके बाद फिर आप लॉक करना एंड। ठीक है, फिर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल भी सेव करके रख सकते हो। ठीक है, बस फिर ये हो गया हमारा काम, बस इतना ही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट अभी तक कुछ डेट नहीं आया है, मगर आप ये मान लें कि अगले हफ्ते तक आना चाहिए, मोस्ट श्योरली।